जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस की हाईवे 100 की गाड़ी और एक लैपर्ड बाइक को सीएनजी गैस से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी। बरेली की ओर से आ रहा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ ढाबे में घुस गया, जहां मौके पर टैंकर तैनात पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ गया, जिसमें मौके पर ही एक होमगार्ड यशवीर की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य सिपाही कर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्राइम स्टोरी के लिए हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, मौके पर हम लोग पहुंचे तो एक वो है गैस कैप्सूल जो टैंकर है वो अनियंत्रित होकर के एक कन्हैया ढाबा है जिसमें जाके घुस गया, और उसमें एक हमारा होमगार्ड जो पीआरबी पे चलता था पीआरबी 3002 पे, उसकी डेथ हो गई है, और एक होमगार्ड है जिसे हल्की फुल्की चोटें आई हैं, और हाईवे 5 पे एक हमारा कांस्टेबल है जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। सबको लेके देवनंदिनी आके यहाँ एडमिट कराया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। दूसरे को जल्द कैजुअल्टी होमगार्ड की है, एक होमगार्ड है श्यामवीर जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी एज लगभग 40 से 42 साल का। तीन गाड़ियाँ एक साथ ढाबे पे पहुंची थी, क्या करने के लिए? वो एक सूचना थी बाइक चोरी की, तो थाना सिंबावली और बाबूगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, तो वो कन्फ्यूजन में हमारी बाबूगढ़ की भी गाड़ी पहुँच गई थी हाईवे, और उधर से पीआरबी सिंबावली की भी आ गई थी।